ग्रंथि 12:10 के ईश्वरीय महावाक्य सार है, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने की बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए क्यों? जवाब, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाबा से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाबा को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात? दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो ज़रूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ, ऐसे ही फॉलो फादर। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आज के मेन पॉइंट्स हैं, बाबा कहते बच्चे अब तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, इस नॉलेज को समझा है तो खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हाँ, बाकी यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए। जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान में चले तो उनके पास कितने हंगामे, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सिंध में भी झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे शादी करो, जल्दी शादी करो, शादी भी कर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे, जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो फिर शिव बाबा की याद में लग गए, नशा चढ़ गया कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर कितने भी हंगामे हुए, भाई काके चाचे आदि कितने भी थे, लेकिन सब में बाबा ने बहादुरी दिखाई। बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पवित्र बनने में बहादुरी तो दिखानी ही है, तुम हो ही महावीर महावीरनिया, सिवाय एक के किसी और की परवाह करनी ही नहीं है। जो शुरू शुरू में ज्ञान में निकली, बड़े बड़े घरों की बच्चियां निकल के आई, कोई भी किसी की परवाह नहीं गई। जिनकी तकदीर में ही नहीं, वो तो बातों को ही समझ ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर के अपना प्रबंध करो। इसमें तो बहुत हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने तो बहुत हंगामे हुए, अखबारों में भी छपा, लेकिन बाबा अचल रहे। माताओं बहनों पर बहुत अत्याचार होते हैं, बाबा को तरस पड़ता है, बाबा रहम दिल है ना। जब मनुष्यों की दुर्गति होती है तभी बाबा आकर सबको सदगति देते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ तो बच्चों को महावीर बनना चाहिए। दुनिया में ये थोड़ी जानते हैं कि भगवान आया है और कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहो, कमल फूल समान रहो। महावीर कोई तूफान से डरेगा नहीं, ये अवस्था तुम्हारी आएगी ज़रूर, पिछाड़ी में सब इस अवस्था को पाएंगे। बाकी बाबा कहते बच्चे यहाँ प्राप्तियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन बाबा की आज्ञा पर बच्चों को पवित्र ज़रूर बनना है। तुम आत्मा बाप समान अभी ज्ञान सागर बनती हो, ज्ञान सागर शिव बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाता है। तुम्हारी आत्मा बाबा जैसे ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान करके मास्टर ज्ञान सागर बन जाती है। हमें तो खुशी होनी चाहिए, स्वयं भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा श्रृंगार करते हैं, हम भगवान को जानते हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी, किसी भी बात में डरना व रंज यानी नाराज नहीं होना, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाबा ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। अगर वानप्रस्थ अवस्था में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज ये सोचेंगे
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।